आज के टाइम में नारी को सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है कि वो माँ का रोल अदा करती है, अपने घर में रोल अदा करती है, सारी चीज़ें करती है। नारी ही नारी का नाम क्यों, पुरुष का नाम क्यों नहीं? नारी और कहा जाता है कि जुर्म होता है उसके ऊपर, कोई जुर्म नहीं होता, क्योंकि भगवान ने ही ये चीज़ें जो हैं भगवान ने ही बनाई हैं, ये हमारे नीचे वालों ने नहीं बनाई है। माँ बनाना भगवान ने उसका नियम बनाया है कि स्त्री ही जन्म देगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे वाला पुरुष उस पर जुर्म कर रहा है, नीचे वाला पुरुष को ही जुर्म नहीं कर रहा है। ये भगवान ने ही नियति तय की है कि स्त्री को ही सब चीज़ें करनी है। हर ग्रंथ में देख लेना आप, नारी को ही सारी चीज़ें सौंपी गई हैं। पुरुष वो भी महान होता है, कोई नारी ही महान नहीं होती। पुरुष अपनी फैमिली के लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, ढेर सारा कमाता है कि मेरा परिवार खुश रहे। बजट के अंदर उसे काम करना पड़ता है, इस वजह से जो है वो अपनी जो लेडीज़ की जो इच्छाएं वो पूरी नहीं कर पाता है, या अपने बच्चों की, बजट के अंदर ही उसे काम करना पड़ता है। इसलिए आजकल पत्नियों को कमाना पड़ रहा है, क्योंकि उनको अपने शौक भी पूरे करना है, घूमना है, फिरना है, रेस्टोरेंट में जाना है। यदि आप अपनी ज़िंदगी सीमित बना लेना तो आपको कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। सुकून की नींद सोइए खाना वाना बना करके। अगला एक और एपिसोड में दे रही हूँ आपको।